नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। होली सभी खेलते हैं, लेकिन कई बार इन रंगों के इस्तेमाल से हमें एलर्जी या स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप शिल्पी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं हम इन रंगों के नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं और क्या सावधानियाँ ले सकते हैं। जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हार्मफुल केमिकल कलर्स जो आ रहे हैं मार्केट में, ये हमारे चेहरे पर या स्किन पर कैसे असर करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं हमें? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप शिल्पी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन एट एक्सपर्ट स्किन क्लिनिक एंड डेंटल क्लिनिक, संडीत हनुमान रोड, इंदौर। होली का त्यौहार आ रहा है और होली हमारा भारतीय त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है। होली खेलने के पहले हमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे। मार्केट में जो केमिकल कलर आते हैं उनमें बहुत से केमिकल्स होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, स्किन रैशेस कर सकते हैं, इचिंग का कारण हो सकता है और रेड चट्टे वगैरह आपको परेशानी हो सकती है। इनसे बचने के लिए आप कोशिश करें कि नेचुरल कलर्स का यूज़ करें या रंग से न खेलते हुए गुलाल से होली खेलें। कुछ प्रिकॉशंस आप पहले से ले सकते हैं जिससे कि आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जैसे कि होली खेलने के पहले आप प्रॉपरली पूरे बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, ऑयल लगाएं, कोई भी लुब्रिकेंट लगाएं जिससे कि बाद में रंग निकालने में आसानी हो, स्किन ड्राई ना हो। ड्राई स्किन ही क्योंकि एलर्जी का कारण होती है। आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो नुकसान नहीं होगा। सेकेंड, बालों को भी नुकसान होता है कलर से, कोशिश करें बालों में भी आप कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल लगाएं। फीमेल्स कोशिश करें कि बालों को खुला ना रखें, पोनी टेल बांधें या बालों को बांध के रखें जिससे कि बालों को नुकसान कम होगा। थर्ड, क्योंकि होली आप जनरली सभी लोग दिन में भी खेलते हैं तो होली के लिए आप सनस्क्रीन भी लगाएं फेस पे ताकि धूप की तेज किरणों से आपकी स्किन बची रहे। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय वो स्पेक्स ही लगाएं ताकि कलर आँखों में ना जाए, और ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है होली खेलते समय ही मतलब कुछ हो जाता है या रिएक्शन होने लगता है, तो ऐसे में हम इंस्टेंट क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उस समय हम क्या उपाय करें? देखिए, जैसे कभी अगर होली खेलते टाइम कलर आंखों में चले जाएं तो तुरंत ही ठंडे पानी से आंखों को अच्छी तरह धो लें जब तक कि जलन कम ना हो। सेम स्किन में भी अगर ऐसा इरिटेशन होता है तो तुरंत अच्छे ठंडे पानी से आप उसको क्लीन कर लें। सोप यूज़ ना करें, नॉर्मल वाटर से क्लीन करें या क्लींजिंग मिल्क से आप क्लीन कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, वैसलीन, ग्लिसरीन या एनी कोकोनट ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें जिससे कि वो कूल रहे। जैसे कैलामाइन लोशन भी आप लगा सकते हैं बॉडी पे। अगर स्टिल रिएक्शन परसिस्ट करता है तो आप फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कलर होली खेलने के बाद भी जब आप कलर निकालते हैं तो बिल्कुल भी कास्टिक वाले सोप्स यूज़ ना करें, जैसे कि डेटॉल, नीम, सेवलॉन। ये हमारी, क्योंकि हमारी स्किन एसिडिक होती है और ये सारे केमिकल्स अल्कलाइन होते हैं, ये स्किन को और हार्श करते हैं और इरिटेट करते हैं। तो आप सिंपल कोई भी ग्लिसरीन सोप, डव, पियर्स या किसी ग्लिसरीन सोप से ही कलर को रिमूव करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रब ना करें टॉवेल से या किसी चीज़ से, अदरवाइज वो भी स्किन को इरिटेट करेगा। सेम कलर रिमूव करने के बाद आप बहुत अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, ये आप सावधानी रख सकते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा आपने देखा, हमें डॉक्टर शिल्पी ने बताया, ये सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और सावधानियां रखकर हम होली का मज़ा भी ले सकेंगे और रंगों से होने वाले नुकसान से भी बच सकेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ मैं अनुषा व्यास, एमपी न्यूज़, इंदौर।